हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ग्रेट प्लेट्स में। तो कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, सब्जियां सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं आज आपको अपने तरीके से कटहल की सब्जी बताऊंगी, जिसका तरीका बिल्कुल यूनिक है, जो कि बनाने के बाद खाने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए मेरे साथ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने गैस पे रखा हुआ है कढ़ाई, और उसमें मैं डाल रही हूँ सर्विंग स्पून से 2 स्पून भर भर के मस्टर्ड ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वैसे मस्टर्ड ऑयल से सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे कटहल, और कटहल को हम इसमें लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। कटहल की सब्ज़ी बनाते वक्त कटहल को अच्छे से फ्राई करने से सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से फ्राई कीजिए। आप यहाँ पे कटहल को बॉईल करके भी तल सकते हैं। मैंने इसको बॉईल नहीं किया हुआ है और थोड़ा पतला ही काटा है। अगर आप बॉईल करके करेंगे तो ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि कटहल थोड़ा सख्त होता है। तो आप इसे बॉईल करके ही सब्ज़ी बनाइए। तो बस यहाँ पे इसको चलाते हुए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब ये लगभग हो चुका है, ये देखिए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और बचे हुए ऑयल में मैं डाल रही हूँ आलू, 2 आलू जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया था। मुझे इसमें आलू पसंद है, आप चाहें तो सिर्फ कटहल से भी बना सकते हैं। तो इन आलुओं को मैं इसमें डालूँगी, और ये देखिए इसको भी हम फ्राई करेंगे। लगातार चलाते हुए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पे देखिए इनका भी कलर चेंज होने लगा है। तो बस ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको भी इसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो बस बचे हुए ऑयल में मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, कुछ खड़े गरम मसाले जैसे कि 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची है, 2 से 3 लौंग है, 3 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री और 1 तेज़पत्ता। तो जब ये चटकने लगे तो हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, और इसको थोड़ी देर भुनेंगे हम। तो बस थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कुटा हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के डाल सकते हैं, मैंने इसको कूट लिया था। ये थोड़ी अच्छी मात्रा में डालिए, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो डाल रही हूँ मैं, और इन सबको मिक्स करते हुए थोड़ी देर अच्छे से भुनेंगे इसको। और बस भूनते हुए यहीं पे इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इसके बाद इसमें जा रही है हल्दी, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स सब्जी मसाला। तो इन सबको थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। तो बस इसको भूनते हुए इसी में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे टमाटर कटा हुआ, और इसको चलाते हुए यहीं पर मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। तो नमक डालने के बाद टमाटर हमारा अच्छे से गल भी जाएगा और मसालों के साथ थोड़ा भुन भी जाएगा। तो इन सबको लगातार चलाएंगे हम, ये देखिए। और बस इसको चलाते हुए इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जिसको कि हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लिया था मैंने, तो वो डाल रही हूँ मैं। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तो बस मिक्स करते हुए ये देखिए ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो बस यहीं पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच दही, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। दही बहुत खट्टी मत लीजिएगा, तो 2 चम्मच दही मैं डाल रही हूँ छोटे चम्मच से, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी देर भुनेंगे। ये देखिए इसको बहुत अच्छे से भुनने के बाद ये देखिए बिल्कुल भुन चुका है। तो बस अब मैं इसमें सबसे लास्ट में डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, क्योंकि हमने थोड़े से इसमें खड़े मसाले भी डाले हुए हैं। तो मैं इसको 1/2 चम्मच के हिसाब से डाल रही हूँ। तो वो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और गरम मसाले लास्ट में इसलिए डालते हैं कि इसका टेस्ट बना रहे। इसको बहुत पहले नहीं डालना चाहिए सब्ज़ी में, इसको सबके बाद ही डालिए। तो बस इसको मिक्स करते हुए यहीं पर हम डालेंगे इसमें पानी, और पानी आप अपने हिसाब से डालिए। आपको कैसी ग्रेवी चाहिए, अगर थिक चाहिए तो कम डालिए,
थोड़ी पतली चाहिए तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए। तो पानी डालने के बाद हम इसमें जो फ्राई किए हुए कटहल और आलू थे उसको इसमें डालेंगे, और डालने के साथ इसको थोड़ा चला के मैं इसमें डाल रही हूँ तला हुआ प्याज, जिसको कि मैंने बहुत अच्छे से एकदम ब्राउन कलर में इसको तल लिया था, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और बस यहीं पे हम इसको फिर से एक बार चलाते हुए ढक देंगे। तो कवर करने के बाद हम इसको लगभग 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि मैंने इसको बॉयल नहीं किया हुआ था। आप अगर इसे बॉयल करके बनाते हैं तो आपकी सब्ज़ी 7 से 8 मिनट में बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। तो लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, तो हम अब इसका ढक्कन हटाएंगे और देखते हैं सब्ज़ी बनी कि नहीं। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्विंग के लिए, और ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए, ठंडा होने के बाद ये इस कलर का हो गया, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते जाइए, और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखनी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते जाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।